और हुंडई ने भाई अब ना अब वाली क्रेटा में भाई मजा बिगाड़ दिया भाई, ये वाली तो बात है। उसमें भी भाई आपको फेंडर पे ये मिलेगा और यहाँ पे अपनी मैग्नेट सी दे दी है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे इसी का ही पसंद आता है, मुझे वाली का पसंद तो आता ही भाई, मजाक सेट के ऐसा है। आज वाली क्रेटा में इन्होंने डिजिटल कर दिया है, जैसे वरना वगैरह और वेन्यू में सब गाड़ियों में इस तरह का मीटर दे रहे हैं। आज वाली तो भाई आज वाली टाइम की जो क्रेटा आ रही है हर जगह तो वो ट्यूबलाइट डाल दे भाई। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो यार आज हमारे पास है भाई हुंडई की क्रेटा। तो ये वाला जो पुराना फेसलिफ्ट है जो आज आ रहा है, क्योंकि पुराना फेसलिफ्ट भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ यार, ये वाली जो क्रेटा थी ना मुझे बेस्ट लगती थी, सबसे बेस्ट वाली क्रेटा यही थी। पहले ये थोड़ा लुक जो नया आया था फेसलिफ्ट, पहले इतना बेस्ट नहीं लगता था, लेकिन मुझे तो भाई ये वाली बेस्ट लगती है मेरे हिसाब से। और वो क्यों बेस्ट लगती है मैं, क्योंकि इसका आज पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। अगर ये गाड़ी 65 किलोमीटर चल चुकी है, तो इसकी को देखो भाई, ये बेस मॉडल है तो इसकी कुछ चाबी ऐसी आती थी, ये आप देख रहे हो इसकी चाबी है कुछ, ठीक है। इसका फ्रंट लुक भाई मुझे बहुत पसंद है यार, देखो इसका फ्रंट लुक आप देखो ना ओवरऑल भाई कितना बढ़िया लगता है। आज वाली तो भाई आज वाली टाइम की जो क्रेटा आ रही है हर जगह तो वो ट्यूबलाइट डाल दे भाई, ट्यूबलाइट डाल रहे हैं हर जगह, पीछे से ट्यूबलाइट, आगे से ट्यूबलाइट। तो मैं पीछे से दिखाता हूँ इसके, अगर पीछे से लुक देखो तो पीछे से भाई देखो कनेक्टिंग लगती है लेकिन कनेक्टिंग है नहीं, ठीक है। इसमें यहाँ तक है लेकिन पूरा नहीं है, जो कि काफ़ी मुझे बेस्ट लगता है। और ये वाला लुक ऐसा है ना इस गाड़ी का, ये अगर तुम आगे वाले 10-5 साल 8 साल भी रखोगे ना इस गाड़ी को, तो वो ऐसा नहीं लगेगा कि आजकल की गाड़ी के सामने तुम्हें फीका लगने वाला है। ये इस गाड़ी का लुक ऐसा है, ठीक है। तो मुझे ओवरऑल मैं इसके लुक की बात करूँ तो भाई मुझे बहुत अच्छी लगती है इस गाड़ी की लुक। और हुंडई ने भाई अब ना अब वाली क्रेटा में भाई मज़ा बिगाड़ दिया भाई, ये वाली तो बात है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, मैं इस गाड़ी का मैं क्यों ओवरऑल तुम्हें पूरा व्यू देने वाला हूँ, क्योंकि भाई इतने टाइम ये गाड़ी चल चुकी है, तो क्या इसका परफॉर्मेंस है, क्या इसकी सारी चीज़ें हैं, और मैं इस गाड़ी के बारे में बताने वाला हूँ आप लोगों को, तो पूरी वीडियो में बने रहना। तो भाई ये है अपना पेट्रोल वाला मॉडल, ठीक है, और ये 2021 मॉडल है और 665 मैंने बताया था आपको चली हुई है। तो यार इसमें बेस मॉडल में आते थे उस टाइम भाई 16 इंचेस के भाई व्हील्स, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें इसका अंदर से दिखाता हूँ मेन जो भाई काम है। भाई आज की जो क्रेटा आ रही है ना उसमें भी भाई आपको फेंडर पे ये मिलेगा और आज की क्रेटा में आपको बेस मॉडल में 6 एयर बैग मिल रहे हैं, इस वाली में आपको सिर्फ 2 ही मिलते थे जो कि सिर्फ आगे की तरफ है, ठीक है। और इसका इंटीरियर भाई देख लो, इसका इंटीरियर कुछ ऐसा है जो काफी भाई अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इसमें ना बेज कलर का काफी इस्तेमाल किया गया, जो इसका क्रीमी कलर है ये काफी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि भाई ये प्रीमियम फील देने में काफी मदद करता है। जो अब जो आ रही भाई क्रेटा उसमें मतलब क्या सीन है, उसमें भाई इन्होंने ग्रे ग्रे कर दिया है, तो उसमें भाई मुझे तो खास इतना मजा आता नहीं है उस वाली क्रेटा में। तो भाई मैं हाँ बता रहा था, देखो इसका कुछ मीटर देखो ऐसा है, आज वाली क्रेटा में इन्होंने डिजिटल कर दिया है, जैसे वरना वगैरह और वेन्यू में सब गाड़ियों में इस तरह का मीटर दे रहे हैं जो ब्लू ब्लू से दिखता है, तो वो पूरा डिजिटल है। लेकिन एनालॉग भी भाई अपने टाइम में भाई इसका कुछ कम नहीं था, किसका भी एनालॉग काफी अच्छा लगता है, जो 240 तक इसमें मार्किंग दी गई है, इतना तो जाती नहीं है लेकिन हाँ 240 तक दी गई है। इसका एवरेज भाई, एवरेज भी मैं दिखा रहा हूँ, इसका एवरेज भी काफी अच्छा आ रहा है। इसका एवरेज भाई अभी तो थोड़ी भाई थी तो इस वजह से 9 का दिखा रही है, वरना नॉर्मली 15 का एवरेज निकाल के दे रही है नॉर्मल, अगर सिटी वगैरह में चलाओ तो। इसका एवरेज भी मुझे काफी अच्छा लगा। और इसका देखो एसी कंट्रोल ऐसा है कुछ, इसका भी ऐसा बुरा नहीं लगता कि हाँ ये बुरा लग रहा हो। और इसका देखो ये वाला बीच वाला एरिया देखो, ये भी काफी अच्छा लगता है। 6 गियर आते हैं गाड़ी के अंदर जो काफी अच्छे लगते हैं 6 गियर, और ये तो अपनी आफ्टर मार्केट है। और इसके ब्लोअर्स का देखो फ्लो देखो जो ये लगता है। और आज के में तो भाई इन्होंने पूरा यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा दे दिया है, जहाँ पे थोड़ा स्टोरेज है और यहाँ पे अपनी मैग्नेट सी दे दी है। लेकिन ये भी भाई मुझे इसका लुक, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे इसी का ही पसंद आता है, मुझे वाली का पसंद तो आता ही नहीं भाई, मजाक सेट के। तो और मैं इसमें कुछ ऐसा है नहीं खास, देखो इसमें ये आर्मरेस्ट है इसका। मैं ओवरऑल यार रिव्यू दे रहा हूँ गाड़ी का, और इसके बाद मैं इसका थोड़ा ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी लाऊंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में, कि यार इतने टाइम गाड़ी चलने के बाद ये आपको कैसी लगती है, और अगर आपको हुंडई की क्रेटा लेनी है तो वो कुछ सालों बाद कैसा आपको परेशान करेगी या फिर रिलायबल चलेगी, कैसी चलेगी, वो चीज़ आपको इसको पूरी ड्राइविंग रिव्यू में आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो इसमें दिखा रहा है बूट खुली हुई है, तो बूट का दिखा रहा है भाई कि बूट खुली हुई है, बूट का इसमें दिखा रहा है। और इसमें ये रहा एक सॉकेट भाई चार्जिंग करने का, 6 गियर आते हैं, ये रहा आपका आर्म रेस्ट। और स्पेस की बात करूं, मुझे कोई स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस तो बढ़िया है यार। और इसमें भाई फीचर में बताऊं, देखो लॉक अनलॉक का 4 पावर विंडो, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ऑटो ना अप है ना डाउन है, लेकिन सारे कंट्रोल है। और ये विंडो का लॉक करने का तो ज्यादा फीचर है नहीं इसमें। और उसके बाद इसमें भाई ग्लव बॉक्स को कूल वूल का सिस्टम आता है नहीं इस ग्लव बॉक्स के अंदर। और ये म्यूजिक सिस्टम है यहाँ पे, थोड़ा ब्लैक ब्लैक का थीम दे रखा, तो वो अच्छा लगता है। तो अब चलते हैं पीछे, इसके पीछे की स्पेस देखें, पीछे की स्पेस कैसी यार इसके अंदर। तो अब चलते हैं इसके पीछे भाई सीट की जगह, तो मैं ग्रैंड विटारा ऑन करता हूँ, तो मैं उस हिसाब से देखो मैंने सीट एडजस्ट कर रखी है, तो मेरे तो भाई नी टच हो रही है पूरी पूरी, लेकिन ठीक हूँ मैं, इतना अनकंफर्टेबल नहीं बैठा। बैठ जाएंगे यार यहाँ पे पतले पतले से 3 बंदे इजीली, लेकिन अगर मेरे जैसे 2 बंदे ही बैठ पाएंगे यहाँ पे कंफर्टेबली पूरा तरीके से। यहाँ पे लाइट है लेकिन आगे कोई लाइट नहीं है, वहाँ पे देनी चाहिए थी यार।
तो ये उसका डैशबोर्ड का लुक है कुछ, ठीक है। यहाँ पे पीछे इसका एसी आ जाता है, यहाँ थोड़ा स्टोरेज आ जाता है। आज की क्रेटा में, हाँ, उन लोगों ने देखो यहाँ पे दो एडजस्टेबल हेडरेस दे दिए और एक आर्मरेस्ट दे दिए जो इसमें मिसिंग है यार, और उसमें 6 एयर बैग भी है, तो उस हिसाब से प्राइस भी इंक्रीज करा गया है। तो पीछे तो और कुछ है नहीं यार इसमें। इसका डोर का लुक देखो, ये बेस्ट लगता था भाई मुझे, अलग कलर। तो पीछे का लुक मैंने आपको दिखाई दिया, अब इसका एक बार बूट और ऑन कर लेते हैं। इसका बूट में एक बार शेल्टर है, बूट इसका भाई अच्छा खासा है, और पुरानी वाली क्रेटा में भी ऐसी आ रहा है, सॉरी नई वाली क्रेटा में भी ऐसी आ रहा है, और थोड़ा जो ब्लैक है ना नई वाली क्रेटा में, थोड़ा ग्रे जैसा दे दिया, डार्क ग्रे सा, जो मुझे पर्सनली ज्यादा कोई खास नहीं लगता। ब्लैक ही अच्छा है यार, ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन देखो तो कितना प्यारा लगता है। तो इसका बूट ये रहा, इसका भाई ये रहा पेयर व्हील। तो इतना भाई बूट में कुछ है खास है नहीं। तो यार ये तो मुझे काफ़ी पसंद लगती है, ठीक है ना। तो यही थी यार मेरे रिव्यू, नॉर्मली मैं बताया इसके बारे में। अब इसका ड्राइव रिव्यू मैं आपको लाने वाला हूँ इसके अगली नेक्स्ट वीडियो में। ड्राइव रिव्यू के लिए भाई कमेंट में जरूर बताना, ड्राइव रिव्यू चाहिए, इसका ड्राइव रिव्यू जरूर लाएंगे। चलो इसके ड्राइव रिव्यू के लिए अगली वीडियो मिलते हैं, और बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो बता देना भाई कमेंट्स में करके, जो मैंने इसमें नहीं पूरा कंक्लूड करा हो इस वीडियो में और कुछ ना बताया हो तो उसके बारे में जरूर बताना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन।